दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को एडसेंस के एक एरर के बारे में बताने वाला हूं जो कि आपके एडसेंस में भी कभी भी आ सकता है। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं एक एरर यहां पे आपको देखने को मिल रहा होगा, यू हैव 8 करोड़ एरर विच कैन रिजल्ट इन लॉस्ट रिवेन्यू। इस तरह का एरर अगर आपके भी एडसेंस में शो हो रहा है तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को इसी की डिटेल बताने वाला हूं कि इस तरह का एरर आपके एडसेंस में कब आता है और क्यों आता है, और अगर आपके एडसेंस में इस तरह का एरर शो हो रहा है तो उसका मैं आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि इसको आप किस तरह से सोल्व कर सकते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम है तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले से वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जब ये एरर आएगा तो इस तरह से आपको यहाँ पे एक पट्टी शो होगी और यहाँ पर आपको दो बटन देखने को मिलेंगे, एक आपको एक्शन का बटन देखने को मिलेगा और सेकंड आपको यहाँ पे डिस का बटन देखने को मिलेगा। तो आपको ऐसे इसको डिसमिस बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको सिंपली यहाँ पे एक्शन पे क्लिक करना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ इस एरर के बारे में कि कब आता है। दोस्तों इस एरर के आने का मेन कारण ये होता है कि सपोज कीजिए आपने अपनी वेबसाइट पर कोई आर्टिकल कोई पोस्ट पब्लिश किया और बाद में आपने किसी कारण से उसको डिलीट कर दिया। अब आपने उस पेज को डिलीट कर दिया लेकिन वो इंडेक्स हो चुका था, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जब आपको एडसेंस का अप्रूवल मिलता है तो एडसेंस के जो 8 करोलर आते हैं उनको वो पेज फाइंड नहीं हो पाता है, और उनको जब वो पेज नहीं मिलता है तो फिर आपके एडसेंस में इस तरह का एरर आपको शो होने लगता है क्योंकि एडसेंस के करोलर को आपका पेज नहीं मिला। तो इस वजह से ये सबसे मेन चीज होती है। सेकंड, आपने कहीं पे अपने किसी आर्टिकल की कोई लिंक शेयर की और शेयर करने के बाद आपने अपनी लिंक के आगे कोई और एक्स्ट्रा वर्ड वगैरह गलती से आपसे टाइप हो गया या ऐड हो गया, तो जब भी उस पर कोई विजिटर करेगा तो वो भी आपको 404 का ही पेज बताया क्योंकि आपकी वो रियल लिंक नहीं है। तो इस वजह से मैंने आपको दो कारण बता दिए कि किस किस तरह से आपको ये एरर आ सकता है। अब चलिए इसके सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो इस तरह का एरर अगर आपके एडसेंस में आ जाता है तो आपको सिंपली यहाँ पे सबसे पहले एक्शन बटन पे क्लिक करना है। एक्शन बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पूरी डिटेल देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी तरह की साइट इफेक्टेड नहीं है हमारी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी पेनल्टी वगैरह कुछ भी देखने को नहीं मिल रही, सिर्फ हमारे पास एक इश्यू आ रहा है। तो इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे की साइड आपको आपका डोमेन देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर अगर अपने एडसेंस में आपने मल्टीपल डोमेन को ऐड किया होगा तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। मेरे केस में यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ सिंगल डोमेन यहाँ पे ऐड है, तो ये सिंगल डोमेन जो ऐड है इसके सामने अगर आपके मल्टीपल होंगे तो मल्टीपल देखने को मिल जाएंगे, और उसमें से जिस डोमेन में प्रॉब्लम होगी उसके सामने आप यहाँ पे देख सकते हैं पेज विथ इश्यू, यहाँ पे आपको उसकी काउंटिंग नजर आ जाएगी। तो यहाँ पे मेरा सिंगल डोमेन ऐड है तो इस डोमेन के आगे सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पेज विथ इश्यू सिंगल, यानी कि किसी एक पेज में हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके लिए आपको अपने डोमेन पे यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप डोमेन पे क्लिक करेंगे तो आपको वो पेज यहाँ पे दिखा दिया जाएगा जिसकी वजह से ये एरर आपको शो हो रहा है। तो चलिए हमारे सामने यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है और नीचे की साइड आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें एक URL देखने को मिल रहा है। तो चलिए सबसे पहले तो इस URL को मैं आपको नेक्स्ट विंडो में ओपन करके दिखा देता हूँ। इसको हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया आपका पेज यहाँ पे फाउंड नहीं हुआ। अब इसकी वजह क्या है कि या तो आपने किसी पोस्ट को डिलीट कर दिया, पहले पब्लिश किया था बाद में आपने उसको डिलीट कर दिया तो इस URL पर क्लिक करने पर वो पेज फाउंड नहीं होगा। सेकंड, अगर आपने अपनी लिंक में किसी तरह की कोई चेंजिंग करके कहीं पे उसको शेयर किया है तो भी वो फाउंड नहीं होगा। मेरे केस में क्या दोस्तों कि ये मेरे एक फ्रेंड की वेबसाइट है तो इन्होंने क्या किया था कि अपने मेन डोमेन, और मेन डोमेन पर आपको पता है कि चाहे तो आप सब डोमेन क्रिएट करके एक न्यू वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं या फिर आप एक सब डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं और वहाँ पे कोई भी एक न्यू वेबसाइट आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इन्होंने अपनी एक कूपन वेबसाइट वहाँ पे रिडीम कूपन वाली वेबसाइट क्रिएट की थी सब डायरेक्टरी बनाकर, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इनका मेन डोमेन है और मेन डोमेन के आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कूपन करके एक डायरेक्टरी बनाई गई थी और इसमें इन्होंने कूपन वेबसाइट PHP इंस्टॉल किया था। अब यहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने अपनी PHP को वहाँ से हटा दिया, तो अब गूगल के क्रॉलर जब वहाँ पे जा रहे हैं यानी कि एडसेंस के क्रॉलर वहाँ पे जा रहे हैं तो उनको ये URL नहीं मिल रहा है, इस वजह से ये एरर आ रहा है। अब आपको करना क्या होगा कि इसको आपको अपने मेन पेज पर रिडायरेक्ट करना होगा। इस तरह के जितने भी लिंक आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे सिंगल है, आपको यहाँ पे 2, 3, 4, 5 जितने भी लिंक मिलते हैं उन सबको आपको 1 by 1 करके अपने वेबसाइट के होम पेज पे या किसी और दूसरे पर्टिकुलर पेज पे उसको रिडायरेक्ट करना होगा। चलिए उसका प्रोसेस जान लेते हैं। काफी सिंपल प्रोसेस है, आपको अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को ओपन करना है, आपको आ जाना अपने प्लगइन वाले सेक्शन पे, एड न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना होगा WP Redirect। तो जैसे WP Redirect लिखेंगे या फिर ओनली आप यहाँ पे रिडायरेक्ट भी लिख के सर्च करेंगे तो भी आपको यहाँ पे रिजल्ट आ जाएंगे। तो यहाँ पर वैसे तो काफी सारे प्लगइन आपको मिल जाएंगे लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये फर्स्ट में जो रिडायरेक्शन के नाम से 301 इसको आप यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए। इसके आप इंस्टॉलेशन देख सकते हैं 2 million+ लोगों ने इसको एक्टिव किया हुआ है। चलिए इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। सबसे पहले आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो चलिए हमारा प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉलेशन के बाद आपको यहाँ पे इसको एक्टिवेट कर देना है। चलिए इसको एक्टिवेट भी कर देते हैं। तो चलिए हमारा प्लगइन यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ नीचे की साइड में।
ये देखिए रिडायरेक्शन के नाम से हमारा प्लगइन आ चुका है। अब आपको सिंपली यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, सेटिंग का और डीएक्टिवेट का। तो आपको यहाँ पे सेटिंग पे चले जाना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर नीचे आपको स्टार्ट सेटअप का ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक कर देना है और इसके बाद कंटिन्यू सेटअप पे आपको क्लिक कर देना है। चलिए इसको यहाँ से हम फिनिश कर देते हैं। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे आपका बाय डिफॉल्ट ऑप्शन पे रहेगा, तो आपको यहाँ पे फर्स्ट में जो रिडायरेक्ट से इस पे क्लिक करना है। अब इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाता है। अब आपको यहाँ पे करना है क्या उसको ध्यान से समझ लीजिए। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे सोर्स यूआरएल का जो ऑप्शन मिलता है, इसमें आपको वो यूआरएल यहाँ पे दे देना है जिसमें कि आपका एरर आ रहा है। जैसे कि चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये हमारा एरर आ रहा है, पेज हमारा फाउंड नहीं हो रहा है। इस यूआरएल को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर सोर्स यूआरएल में इसको पेस्ट कर देंगे। अब आपको नीचे की साइड में यहाँ पे एग्जैक्ट मैच इसमें कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ पे टारगेट यूआरएल का जो थर्ड नंबर पर ऑप्शन देखने को मिलता है, इसमें आपको क्या करना है कि आप अपने इस पेज को किस पेज पर रिडायरेक्ट करना चाहते हैं। तो चलिए जैसे कि मैं होम पेज को यहाँ पे ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, ये हमारी वेबसाइट का होम पेज है। अब मैं चाहता हूँ कि अपने इस यूआरएल को हम अपने होम पेज पर रिडायरेक्ट कर दें। तो यहाँ से होम पेज के यूआरएल को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर आकर हम इसको टारगेट यूआरएल में पेस्ट कर देंगे। बस दोस्तों हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे ऐड रिडायरेक्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा ये रिडायरेक्ट ऐड हो चुका है। अब चलिए मैं आपको उसी यूआरएल को ओपन करके दिखाता हूँ। फिर से एडसेंस में चलते हैं और इसी यूआरएल को हम नेक्स्ट विंडो में ओपन करते हैं। तो देखते हैं कि हमारा ये यूआरएल यहाँ पे रिडायरेक्ट हुआ है या नहीं। चलिए इसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे होम पेज पे रिडायरेक्ट हो गया है, यानी कि पहले जो हमारा पेज नॉट फाउंड आ रहा था, अब यहाँ पर हमारे होम पेज पे उसको रिडायरेक्ट कर दिया गया है। बस इतना करने के बाद आपको अपने एडसेंस में आ जाना है। एडसेंस में आने के बाद आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, यहाँ पे आप देख ले लीजिए। आप यहाँ से आप चाहें तो इसको डिसमिस भी कर सकते हैं। चलिए मैं होम पेज पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ से आप चाहें तो आप इसे डिसमिस भी सकते हैं, और अगर आप इसको यहाँ से डिसमिस भी नहीं करेंगे तो कुछ टाइम के बाद ये ऑटोमेटिक उसको फाउंड कर लेगा कि आपने इस एरर को फिक्स कर दिया है और ये एरर आपके एडसेंस से हट जाएगा। तो इसी तरह से दोस्तों अगर आपके भी एडसेंस में इस तरह का एड क्रॉलर का एरर आ रहा है तो आप उसको इस तरह से इजीली फाउंड आउट कर सकते हैं और इस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले से वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।